Hi friends, welcome back. IMF demands for assessment of Pakistan investment policy. अब उनको चाहिए कि भैया तुम्हें इनकी सारी इन्वेस्टमेंट क्या पॉलिसी है, कहाँ पे कहाँ पैसा खर्च करें, क्या कर रहे हैं. मैं तो कहती हूँ अपनी एक पूरा एक ग्रुप एक टीम भेजें जो हर चीज़ को चेक करें और पेपर पे चेक नहीं करें, जा जा कर इनका ये ऐसे है कि इनका जा जा के चेक भी करो कि वाकई वहाँ पे पहुँचा पैसा, कि कुछ किया है कि नहीं किया है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे मैं अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. IMF ये कहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ट्वीक करना पड़ेगा. आपको लगता है कि जो चाइनीज आपके देश में पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है? ये फालतू के वर्ड यूज नहीं कर रहे लोग, फालतू में आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको स्टोरी सुनाई गई. वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें और जो पैसा पकड़ रहे हैं लोन पे ले रहे हो वापस भी ना करें. लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है इंशाल्लाह. अब ये लोन की तैयारी हो रही है. अब पाकिस्तानी एक लोन लिया फिर दूसरे लोन की तैयारी, जब वो आएगा फिर तीसरे लोन की तैयारी. IMF कह रहा है कि बेवकूफ के बच्चों पैसा तो तुम हमसे ले रहे हो तो हमें तो बताओगे. पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज हैं कि उन्होंने जापानीज को चाइनीज समझ के तो आपने ऐसे पूंछ को क्यों पाल रखा है? मुझे लगता है कि गेंदा भैया भावनाओं में गए. ठीक है, बस यही कहूंगा मैं. जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए. सबको पाकिस्तानी बेवकूफ बना रहे हैं. बाहर हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, यहां पे शूट पे आया. IMF को बेवकूफ बना दिया, इंडियन पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं. फ्रेम है ये बिल्कुल अलग है. अच्छा दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की. IMF वाले पाकिस्तान में आ चुके हैं, पहुंच गए. अच्छा, वेरी गुड. पाकिस्तान की मशहूर मेहमान नवाजी बन के ना जाएं, रहे हैं, घूम रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन पैसे की बात नहीं कर रहे. अच्छा, पैसे की बात नहीं कर रहे. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है IMF का. IMF ये कहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ट्वीक करना पड़ेगा. थोड़ा सा मैं तो पूरा होना चाहिए. ये देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से बनाया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नाम का. इसमें सीधी सी बात, ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी इसको कह सकते थे. पाकिस्तानियों का क्या आदत है कि बहुत लंबे चौड़े नाम देते हैं. इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. अब देखिए फालतू के वर्ड यूज करें, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं. ठीक है, झूठ बोल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, अधिकार है उनका. नहीं है अधिकार, हुनर भी है झूठ बोलने का. साले एक नंबर, सारे के सारे एक नंबर के हो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, झूठे मकार. ये फालतू के वर्ड यूज नहीं कर रहे लोग, फालतू में. अब ये देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एक कुत्ते ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी पाकिस्तान में, एक कुत्ते ने. नाम इतना जीव नौ गज की है इन लोगों की, अब इन्होंने इतना बड़ा नाम रख दिया. IMF का ये कहना है कि भाई ये IMF has requested Pakistan to share a draft. IMF ने बोला है कि भैया कोई ड्राफ्ट होगा इसका, ये जो पॉलिसी आपने बनाई है आप जरा पॉलिसी हमें दिखाइए क्या. अभी दो मिनट में बना के ले आएंगे. पाकिस्तान को कि एक जो पाकिस्तान की कैबिनेट ने पॉलिसी दिखाई जरा हमें दिखाओ. दखल अंदाजी पूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि भाई जब आप किसी से पैसा पकड़ेंगे आप, भाई मैं अगर आपसे पैसा लूंगा मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी नहीं करेगी. मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे आदत लग गई फ्री का खाने की, फिर अगर ऐसा होता तो फिर मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी. आई हैव टू लिसन टू यू. ये देखो, IMF ने एम्फसाइज करा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए जो ऑपरेशंस ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है. और ये कह रहे हैं कि एन IMF टीम इज करंटली इन पाकिस्तान इस चीज को एसेस करने के लिए. और कुछ काम भी तो करें वहां जाके. जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, यानी कि जो बड़े ऊपरी लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर दोनों के अलग अलग नजरियात हैं. दे हैव डिफरेंट व्यूज. पाकिस्तान की सरकार कहती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस तरफ चलनी चाहिए, और IMF कहता है कि तुम्हारी इकोनॉमी इस तरफ चलनी चाहिए. समझ रहे हैं?
अब दोस्तों ये है कि अब मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन जरा इसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या गंद मचा रखे। फिर मैं आपको एक और अच्छी खबर दूंगा, जैसे पाकिस्तानियों का और यहां पे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का दिल टूट जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर। देखिए ऐसा है सब कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रहे, और पाकिस्तानियों को लगता है, और ये मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ यहाँ पे, कि आपको लगता है कि जो चाइनीज आपके देश में पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको स्टोरी सुनाई गई है, वो कोई इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं, ठीक है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आपसे झूठ बोला गया है आपके सियासतदानों ने। हाँ, कागजों में वो इन्वेस्टमेंट है, क्या कानूनी तौर पर वो इन्वेस्टमेंट है? डेफिनेटली डेफिनेटली, आपके मुल्क में बाहर से पैसा आया है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। तो जहां तक नॉमनक्लेचर की बात है, जहां पे लफ्जों के हेर फेर की बात है, तो हाँ जो चाइनीज कर रहे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ना रिटर्न कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 साल से ऊपर हो गए सी पैक को, क्या चाइनीज ने कुछ पैसा कमाया है, सामान खरीदे हैं, मुनाफा कमाया है? अगर कमाया है तो फिर सबके सामने बताया जाए कि जनाब चाइनीज ने ये मुनाफा कमाया है, इतना पैसा, अगर उन्होंने पाकिस्तान में कुछ पैसा डाला, उन्होंने 10 रुपए डाले तो उन्होंने 15 रुपए कमाए हैं, 20 रुपए कमाए हैं, कुछ कमाया है चाइनीज ने, बताइए। अब दोस्तों एक बात बताइए, ऐसे माहौल में होगा क्या? ऐसे माहौल में तो यही होगा कि जब आपने इतने पैसे पकड़ लिए आईएमएफ से, तो फिर आईएमएफ आपको बताएगा कि आपके देश की चाल क्या होगी, आपके देश की डगर क्या, चाइना से बेटर है, तो आईएमएफ बताएगा ना। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी खुद मुख्यता है, चाइना खा जाए ना, पसंद नहीं आती ये बात, खा रहे जल्दी, पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें, और जो पैसा पकड़ रहे हैं लोन पे ले रहे हैं वापस भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इंशाल्लाह इनकी खुद मुख्तारी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन फिर पैसा चाहिए इनको, इनको फिर पैसा चाहिए, पैसे में कोई रियायत नहीं है, पैसा चाहिए पाकिस्तानी, और फिर पैसा चाहिए। और फिर ये देखिए, अभी इन्होंने एक लोन लिया आईएमएफ से, दूसरे लोन के लिए ऑलरेडी बैठा लिया उनको कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ, हम लोग लोन के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक किस्त आई है पुराने लोन की और नए लोन, अच्छा उसकी और किस्तें आनी है, पर नए लोन के लिए ऑलरेडी तैयारियां हो रही है वहां पे कि जून जुलाई में हम फड़ लो, आईएमएफ इतना दे क्यों रहा है, मुझे तो समझ नहीं, मना कर दे, अब ये लोन की तैयारी हो रही है, एक लोन लिया फिर दूसरे लोन की तैयारी, यूएसए के पास कंट्रोल, मना करो, तीसरे लोन की तैयारी। मैं जब शिव सागर जाता हूँ ना विले पार्ले पाव भाजी खाने के लिए, मैं भी यही हरकत करता हूँ पाकिस्तानियों वाली, क्या मैंने पाव भाजी ऑर्डर करी, वो भाजी लाया, पाव लाया, जैसे ही वो पाव भाजी लाता मैं बोलता हूँ 2 पाव और, ये मैंने पहला वाला खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है ये, मैंने बोला 2 पाव और, फिर मैं ये खाता हूँ जब तक वो दूसरा लाता है, जैसे दूसरा लाता है मैंने ये खाया नहीं दूसरा वाला, मैं कहता हूँ एक और, इतना सारा, और ये चलता रहता है, वो वेटर इरिटेट हो जाता है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि भाई साहब एक बार बता दो कितना लाना है, आप तो बोल पूरी ट्रेन लगी रहती है किचन से, तो जब 4-5 बार मैं मंगवा लेता हूँ पाव, मेरा पेट भर जाता है, लेकिन क्या पाकिस्तान का पेट भरा है? नहीं, वो फिर पाव मंगवाना है, तो मत आना, लेकिन अगर कभी भूले भटके आ गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा शिव सागर विले पार्ले पाव भाजी खिलाने के लिए, इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन पाव भाजी। कहाँ पे है पाव भाजी वाला? दिल्ली में क्या? हमने तो सुना विले पार्ले, विले पार्ले कहाँ? मुंबई बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, पर पाकिस्तान का तो मुझे पहले ही पता है, पैसों के लिए कहीं पे भी कुछ भी करने को तैयार है। चाइना अगर ज्यादा ज्यादा बैठो तो आईएमएफ को बोलना चाहिए, तो हम ज्यादा नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए, फ्रेंड है उसे, लेट चाइना डू, चाइना इनको टैकल करे, खरीद ले, बल्कि पाकिस्तान तो खत्म होएगा। आईएमएफ ने फोर्स किया ही था जब जम्मू कश्मीर जो उन्होंने हमारा ले रखा है उसमें कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी और फ्लावर की जो आटे की सब्सिडी बंद कर दीजिए, और उसके बाद जो है शोर मच गया था, दंगे फसा, तो इसीलिए होता है आईएमएफ कहता है, आईएमएफ कोशिश कर रहा है कि सब्सिडी फ्री भी जो चीज़ें देनी है बंद करो, तुम्हारे में इतनी नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, लोगों से टैक्सेस लो, सब करो, तो आईएमएफ जो है उनको कंट्रोल कर रहा है। नहीं पर कहते रहे वहाँ जाके वो काम करने की जगह बिरयानियाँ खाने बैठ गए हैं, और उनके खाली पेपरों को मत देखो,
ये झूठे पेपर भी बना सकते हैं इनका जाके एक्चुअल, जैसे मैं बता रही थी, देखो कि कहाँ कहाँ क्या बनाया क्या किया है, सबूत देखो। तो IMF को अपने लोग भेजने पड़ेंगे और आ तो चुके हैं, क्या तो रहे हैं, खुफिया तरीके से लोग आए, सब देखें, लोकल से बात करें, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। ऐसे डिक्लेयर करके आते बताओ IMF को ये करने को, पाकिस्तान जैसी कंट्री पर विश्वास ही नहीं कर सकता। ऑफिशियल्स वहाँ पे आके करें तो बस मौज मस्ती करके, क्या टूरिस्ट क्या हो रहा है, घूमने नहीं गए हो तुम लोग, काम करने गए हो यार, सीरियसली काम करो, पूरा अंदर तक घुसो, उनका सब कुछ इधर उधर करके सारा निकालो, क्या है जिसे कहते हैं कि प्लेन कपड़ों में जो होते हैं ऑब्जर्वर्स, वो होने चाहिए, किसी को पता नहीं होने चाहिए, बिना बताए जाओ, वो तो पूरे एक नंबर के उस टाइप के हैं, ये तो पूरा सेटअप है। मैं तो इनके रिएक्शन चैनल्स देख के इनको पता, मेरे को तो देख के पता चल चुका है कि कितने चलाक और शातिर ये लोग हैं। इट इज जस्ट अमेजिंग एंड शॉकिंग, मतलब जिस तरह से, जिस हद तक ये बेवकूफ बना सकते हैं, एक आम इंसान जो है हिंदुस्तानी ऐसा नहीं सोच सकता अपने देश का। मैं कितनी बारी बता चुकी हूँ ये, तो इनको IMF को तो बहुत ध्यान से जाना चाहिए, उनको क्या पता कितने चलाक ये लोग हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।